कव्वे अगर प्रवचन देते तो वो भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह काउ काउ करते हुए प्रवचन जरूर देते। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस काउ काउ रूपी प्रवचन से परेशान हो जाते, लेकिन गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार, मनु मीडिया के ब्राह्मणवादी पत्रकार इस काउ काउ रूपी प्रवचन पर तालियां पीट रहे हैं। मीडिया में ऐसा चमत्कार छाया हुआ है कि सभी बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। कोई बाबा के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है तो कोई बाबा के लिए डीएनए टेस्ट कर रहा है, कोई ताल ठोक रहा है तो कोई मीडिया का व्यक्ति वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहा है। और मानो भारत में इस समय सबसे बड़ी समस्या बागेश्वर धाम के बाबा की शक्तियों का परीक्षण बचा है, जो किसी न्यूक्लियर टेस्ट से भी ज्यादा अहम हो गया है और सारा मीडिया उसी पर फोकस कर रहा है। बीते 24 घंटे में एबीपी न्यूज ने 96 वीडियो बाबा बागेश्वर के बारे में रिलीज किए हैं। एक के बाद एक बाबा के अलग अलग वीडियो उन्होंने रिलीज किए हैं। युद्ध स्तर पर न्यूज बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और वॉर कवरेज हो रही है। वैसे ही एबीपी न्यूज ने भारत के सबसे बड़े मुद्दे पर इतने सारे वीडियो रिलीज कर दिए हैं। तो आप गोदी मीडिया, मनु मीडिया का हाल देख लीजिए। एबीपी न्यूज की इस पत्रकारिता की जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने उस जन्मजात मेरिट का ऐसा मुजाहिरा किया है, उसका ऐसा प्रदर्शन किया है कि लोग कहने लगे हैं कि शास्त्रों में इसे ही जन्मजात मेरिट कहा जाता है, जिसके आधार पर ब्राह्मणवादी लोग आरक्षण को कोसते हैं। दरअसल हुआ ये कि इस जो बाबा है ये धीरेन्द्र शास्त्री, इसकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए ये ज्ञानेंद्र तिवारी उनके धाम पर गए, उनके सामने बैठे थे और धीरेन्द्र शास्त्री ने नाम लिया कि जिसके पिता का नाम भृगुनाथ तिवारी है वो उठकर आ जाए। ये जो ज्ञानेंद्र तिवारी हैं ये उठे और बाबा के सामने हाथ जोड़कर जय जयकार करने लगे और फिर इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि जिसके बाद इनका मजाक बन गया है। आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकर हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया लोगों को अंधविश्वास में थोड़ी अकेला महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो? गुरुजी, मैं तीन दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज़ में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं तो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी, आज के बाद अंधविश्वास कहना बंद कर देना वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि बाबा को नाम कैसे पता चल गया। दरअसल मैंने इसको देखने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की फेसबुक वॉल पर जाकर देखा तो सबसे पहले जो उनके उनके भाई का नाम फैमिली एंड फ्रेंड्स में अवेलेबल है और जैसा वो कह रहे थे कि उनके भाई ने अभी घर खरीदा है, तो दो दिन पहले का ही उस पर लाइव वीडियो है जिसमें गृह पूजा की वीडियो और जो रीति रिवाज है उसके वीडियो अवेलेबल हैं। बेटी जो उनकी भतीजी हुई ज्ञानेंद्र तिवारी की, उसका नाम भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर किसी ने उनकी फेसबुक वॉल को ही देख लिया तो पता चल जाएगा कि आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है वहां पर पहले से अवेलेबल है, उसको देख के कोई भी बता सकता है। चेले चपाटे नहीं किसी ने बताया होगा, लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी के ज्ञान चक्षु ऐसे खुल गए कि वो जय जयकार करने लगे, बोलने लगे कि एक पत्रकार के तौर पर मैं बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहा हूं, यहां चमत्कार हो रहे हैं। ये एक भारत के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स में से एक एबीपी न्यूज में, जो कभी मेरा ऑफिस हुआ करता था, वहां के एक पत्रकार ने नेशनल टीवी पर दावा किया है। हैरान कर देने वाली बात है कि भारत का मीडिया किस तरह से पाखंड के सामने नतमस्तक है, किस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है और कैसे पाखंडी बाबाओं का व्यापार बढ़ा रहा है। ये जो अंधविश्वास और विज्ञान की बहस होनी चाहिए थी, इस पर कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए था, जिसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन इन पत्रकारों ने तो अपनी जो पत्रकारिता की पेशेवर जो कहें कि क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी होती है, उसको पहले से ही गिरवी रख रखा था और अब उसको एकदम कहें कि नीलाम कर दिया है। बाबा के सामने ऐसे नतमस्तक हुए हैं कि जो वाकई में खुलेआम ब्रोकरिंग का काम करते हैं वो भी शर्मा जाएं कि आखिर ये
हो क्या रहा है? क्या भारत के मीडिया की जिम्मेदारी यही है कि वो भारत की आबादी को, लोगों को मूर्ख बनाएं? सुबह सुबह टीवी पर वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, कुंडली और तारे सितारों का तो प्रोग्राम पहले से ही दिखाते हैं, और अब आपको याद होगा कि लंबे समय से ऐसे फर्जी बाबाओं के वीडियो, उनके इंटरव्यू, उनके शोज भी अलग अलग न्यूज चैनल्स पर चलते रहे हैं। आप जानते हैं, एक समय था निर्मल बाबा नाम के एक व्यक्ति आए थे जिसके हर चैनल पर सुबह सुबह वीडियो आपको देखने को मिलते थे, जो कहते थे लाल चटनी खाओ, हरी चटनी खाओ, ये वाला समोसा खाओ और आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और अब आप सब जानते हैं कि निर्मल बाबा जेल में हैं, संत आशाराम बापू, सब लोग उनके वीडियो चलाते थे, जेल में हैं। उसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह, उनके वीडियो सब लोग चलाते थे, प्रवचन चलाते थे, वो जेल में हैं। और अभी वो जलेबी बाबा जो हैं, वो 120 महिलाओं से बलात्कार के आरोप में वो जेल में हैं। ऐसे जितने नाम आप गिनवाएं, जितने नामों पर आप नजर डालेंगे, वो सब आज कहीं ना कहीं जेल में पड़े हुए हैं और अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के जो कुकर्म हैं वो अभी एक्सपोज होना बाकी है। लेकिन भारत का मीडिया इतना सरेंडर कर देगा, इस तरह की बेहूदगी करेगा, इस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम करेगा, इसकी उम्मीद जो लोग कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर भारत का मीडिया एकदम खरा उतरा है। इससे भी घटिया स्तर की पत्रकारिता भारत का मीडिया आने वाले दिनों में और करेगा। आप देखिए, पत्रकार के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही और गलत में से सही का साथ दें, जनता में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, आप लोगों को वैज्ञानिक चेतना के आधार पर चीजों को समझाएं। लेकिन यहाँ के जो निखट्टू जन्मजात पत्रकार हैं, जो अपना जनेऊ शर्ट के अंदर घुसा के रखते हैं, ऐसे लोग खुलेआम जनता में अंधविश्वास भड़का रहे हैं। तो आपसे अपील है कि ऐसे जो फर्जी बाबा हैं उनसे बच कर रहें। और आप देखिए, जो भी ऐसे बाबाओं के पास जाकर अपना धन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां सेवा के नाम पर भेजते हैं और फिर उनके साथ तमाम तरीके की ज्यादतियों की खबरें भी आती हैं, ऐसी चीजों से सावधान रहें। ऐसे बेकार लोगों के आश्रम में अपना पैसा, धन, अपने परिवार के लोगों को वहां पर ना खपाएं, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। लेकिन ये आप देखिए कि जो लोग बागेश्वर धाम का बचाव कर रहे हैं, ऐसे कांव-कांव रूपी प्रवचन करने वाले बाबा का साथ दे रहे हैं, इसे सनातन हिंदू धर्म की शान बता रहे हैं। अब आप ये भी सोचिए कि क्या सनातन धर्म का अब ये स्तर आ गया है कि वो ऐसे पाखंडी, ऐसे बेतुके दो कौड़ी के व्यक्ति जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बचाव में उसे अपना फेस बता रहे हैं, पोस्टर बॉय बता रहे हैं। तो ये सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए भी आत्मचिंतन का विषय है कि किस व्यक्ति को वो अपना पोस्टर बॉय बना रहे हैं, अपना चेहरा बना रहे हैं। क्या यहाँ पर आपका जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, वो पहुंच गई है? ये आपके लिए भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। आपसे अपील है ऐसे फर्जी बाबाओं और फर्जी मीडिया, गोदी मीडिया, मनु मीडिया से सावधान रहें। और अच्छी खबरें देखने के लिए न्यूज़बीक जैसे बहुजन मीडिया, प्रगतिशील मीडिया को अपना समर्थन दें। आपसे अपील है, इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।